इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड RSMSSP बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली CET 2024 में। जैसा कि आपको मालूम है पहले भी कि इसके नियमों में संशोधन किया जा सकता है, तो इसके नियमों में संशोधन की जो परमिशन है वो मिल चुकी है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अब नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और इसके अलावा आपके अधीनस्थ बोर्ड के अंडर में एक वाहन चालक की भी भर्ती जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, उसकी क्या पात्रता है, सभी चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो प्रूफ के साथ दी जाती है। आप मेरा हर वीडियो देख सकते हो, विदाउट प्रूफ की मैंने एक भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है प्रूफ के साथ दी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिन्हें राजस्थान के एग्जाम से जुड़ी कोई अपडेट नहीं मिल पाती है, कोई सोर्स नहीं मिल पाता उन्हें अपडेट का। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी जो बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं संगणक हुआ, सूचना सहायक हुआ, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, तो पहले मैं उनके रिजल्ट की बात बाद में करूँगा, उससे पहले मैं आपके जो CET की परमिशन मिल चुकी है उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद बात करूंगा वाहन चालक की नई भर्ती का क्या प्रोसेस है, और फिर लास्ट में बात करूंगा आपके जो पेंडिंग और रिजल्ट रह गए हैं वो रिजल्ट कब तक जारी होंगे, जैसे रीट लेवल के रह गए हैं और जो अभी पहले चरण में GNM ANM का तो आ चुका है, बाकी के 5 एग्जाम का भी रिजल्ट बाकी है, तो ये सब की जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो लिखा हुआ मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSMSSB अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संवर के सेवा नियमों की खुली रहा। यह स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो आज की डेट में लिखा हुआ ये नोटिस 15 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर के सेवा नियमों संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मंत्रालय अधीनस्थ सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा सामान्य पात्रता परीक्षा नियम 2022, ये बात हो रही है CET 2022 में, आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। आप देख सकते हो इस पॉइंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अधीनस्थ बोर्ड के अंडर जो CET 2022 हुई थी, 12th लेवल की अलग हुई थी, ग्रेजुएशन लेवल की अलग हुई थी, तो जैसा कि इस बार आपको मालूम है इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा और उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब जल्दी उसमें संशोधन क्या किया जाएगा, कितने क्या क्राइटेरिया 25 गुना का किया जाएगा या मिनिमम परसेंटेज रखेंगे, जो भी इन्हें संशोधन करना होगा वो जल्दी संशोधन करेंगे, उसके बाद आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। CET 2024 ग्रेजुएशन और सेकेंडरी दोनों, सीनियर सेकेंडरी दोनों का आ जाएगा नोटिफिकेशन, और एग्जाम डेट तो आपको मालूम है पहले ही दे रखी है, ग्रेजुएशन का सितंबर एंड में होगा और CET 12th लेवल का अक्टूबर एंड में होगा। और भी CET एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर के चयन में सुगमता आएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त और स्वतंत्र होने से पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी स्वर के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और वेतन भत्तों के निर्धारण आदि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे। पिछले लास्ट 10 सालों में अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी नियम, सेवा नियम नहीं बनाए गए थे, तो अब सेवा नियम बनाए जा रहे हैं। अब चाहे बात करता हूँ CET की बात मैंने कर दी है, यानी कि उनके जो संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है, तो अब जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अब वाहन चालक की भर्ती का क्या प्रोसेस है ये आप देख लीजिए, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों की हो सकेगी भर्ती। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एक रूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में वाहन चालक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अपग्रेड करते हुए सेकेंडरी या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है।
यानी कि ये आपके सेकेंडरी या उसके समक्ष जो भी एग्जाम आपने दिया हो वो होगी इसके लिए शैक्षणिक योग्यता। श्री शर्मा के इस निर्णय से भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे सुगम और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का चयन किया जाएगा। यानी कि वाहन चालक की भर्ती आपकी देखने को मिलेगी तो वो आपके अधीनस्थ बोर्ड के अंडर होगी, यानी कि इस परीक्षा का आयोजन अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा और इसके लिए आपके पहले एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, जिससे कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का ही चयन किया जा सके। तो ये थी अपडेट वाहन चालकों की भर्ती और सीईटी 2024 के लेकर नोटिफिकेशन को। अब बात करता हूँ जो आपके पीछे बच गए, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, सीएचओ, संगणक और कृषि पर्यवेक्षक, इनका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कल जैसे ही जीएनएम का रिजल्ट आया था तो उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने लिखा था, अब बाकी बचे शेष जो 5 परिणाम हैं वो आपको नेक्स्ट वीक तक 2-3 और भर्ती परीक्षाओं के देखने को मिलेंगे और उसके नेक्स्ट वीक में बाकी बचे, यानी कि जून मंथ में आपको सभी एग्जाम के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूचना सहायक का रिजल्ट वैसे तो एएनएम से पहले आने वाला था, लेकिन उसमें जो पदों में वर्दी को लेकर और जो बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आपको मालूम होगा एक क्वेश्चन था उस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि स्टूडेंट द्वारा इसमें एडिट करके इन्फॉर्मेशन डाली गई थी, तो उस पर बोर्ड ने निर्णय क्या लिया है वो भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो अब बोर्ड ने निर्णय भी ले लिया है और पदों में भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। इन दो की वजह से इनका रिजल्ट है वो देरी से अभी तक जारी नहीं हुआ था, लेकिन अब जो ये दो है दोनों उन्होंने कंप्लीट कर दिया प्रोसेस, तो अब आपको नेक्स्ट वीक में हो सकता है सूचना सहायक का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, कृषि पर्यवेक्षक का तो देखने को मिलेगा ही, वैसे 14 जून को ही जारी होने वाला था लेकिन टेक्निकल इश्यू के वजह से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट अब आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको जूनियर अकाउंटेंट का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, संगणक सीएचओ का उसके बाद देखने को मिलेगा, रीट लेवल का भी आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको ये भी इन्फॉर्मेशन अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा बताई गई थी। तो ये थी अपडेट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और पहले चरण के 7 एग्जाम में से आपने कौन सा एग्जाम दिया, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।